मऊरानीपुर नगर में बने काशीराम आवास में रहने वाली लोगड़िया जाति की महिलाओं ने उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी के पास जाकर काशीराम आवास में न रहने की लगाई गुहार। शोहदों की हरकतों से त्रस्त काशीराम आवास में निवास करने वाली दो दर्जन से अधिक महिलाओं ने उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर उन्हें आवंटित किए गए आवासों को वापस लेने की मांग की। मऊरानीपुर मोहल्ला कोनेचा नाका में मायावती के मुख्यमंत्री काल में काशीराम कॉलोनी का निर्माण कराया गया था। कॉलोनी बनने के बाद लगभग 400 आवासों को आवंटित किया गया था। चार साल पूर्व आवास आवंटन में लोगड़िया जनजाति को 27 आवास आवंटित किए गए थे, लेकिन महिलाओं ने प्रार्थना पत्र में बताया कि वह लोगड़िया जनजाति की हैं। आवासों में वह अपने परिवारों के साथ रह रही हैं। वह मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं तो उनके पति मजदूरी व काम करने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं और घरों में महिलाएं अकेली रह जाती हैं तो उन्हें अकेला देखकर आवारा व गुंडा किस्म के व्यक्ति आ जाते हैं और महिलाओं से अश्लील प्रकार की बातें करते हैं और रात में आकर हमारे मकान के दरवाजों में लात मारते हैं और सोने नहीं देते तथा कॉलोनी में काम क्या समस्या है तुम्हारी? वहाँ पे बहुत गुंडे लोग लेके आते हैं हमारे पास और हम रहते हैं कॉलोनी में, हमें जीने नहीं देते हैं। कहाँ का मैटर है? जे आवास का से हम आवास में, हम वहाँ पे रहना नहीं चाहते, हमें कुछ झोपड़ी चाहिए, झोपड़ी अलग से हमें चाहिए। हम वहाँ पे माहौल गंदा आएगा, बहुत गंदा आएगा, हमको मारा पिट्टी करते हैं, हमारे ऊपर गुंडे लेके आते हैं, हमारी सियानी समारी लड़की है, हम वहाँ पे नहीं रह सकते हैं। कौन लोग हैं जो बदतमीजी करते हैं? जे ड्राइवर गाड़ी चला के आते हैं रात में, गेटों में लाते मारते हैं और हमको सबको परेशान करते हैं। कैसा माहौल गंदा है वहाँ पे, आप कहना नहीं चाहते, हम भी लेडर थे जे माहौल में, हम कहना ही नहीं चाहते, आंखें बंद करके सुना जाता है, मालूम है वो तो सबको, दुनिया को माहौल का पता है, वहाँ पे हम रहना नहीं चाहते हैं। हम इतनी हमारी हाथ जोड़े की विनती है कि कहाँ पर आए हैं एप्लीकेशन लेके? हम SDM साहब के पास आएंगे, हमको एक तरफ पूरा मोहल्ला एक तरफ हमको दिया जाए, हमारी जय प्रार्थना है। आश्वासन दिया है उनने जे किया, तुम्हारी समस्या हल करेंगे हम। महिलाओं ने कहा कि साहब, हम लोग अपने काशीराम कॉलोनी में आवंटित किए गए आवासों को छोड़ना चाहते हैं, हमें अन्य व सुरक्षित जगह आवासों के लिए भूमि आवंटित करने की कृपा करें। हम लोगों का गुंडों व मवालियों ने जीना दूभर कर दिया है, इसलिए हमें आवास छोड़ने की अनुमति दी जाए। उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी ने महिलाओं की समस्याओं को सुनने के बाद महिलाओं की सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे व महिलाओं को परेशान करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मऊरानीपुर से पुष्पिंद्र श्रीवास के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।